हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR NGM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, वो है क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का नेक्स्ट पार्ट। हमने पिछले क्लास में क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेनली आपको दिखाया CrO3 के साथ H2SO4 को यूज करके हमने आपको दिखाया, ठीक है, और फिर बताया मैंने आपको PCC के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो रिएजेंट है ये 1 डिग्री अल्कोहल को आराम से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एक स्टेप में नहीं, दो स्टेप में। 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को ये कुछ भी नहीं कर पाता है। मैंने ये भी बताया कि 3 डिग्री अल्कोहल को भी ये कन्वर्ट कर सकता है कार्बोक्सिलिक आपको एल्डिहाइड कीटोन में, दैट मीन ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, एलाइलिक होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, एलाइलिक हो जाए चाहे बेंजाइलिक हो जाए, इस टाइप का एग्जांपल आने चाहिए, लेकिन जो भी हो ये 3 डिग्री अल्कोहल बने ये यहाँ पर इसके बगल में एक डबल बॉन्ड हो, दैट मीन एलाइलिक पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। हम बात करते हैं पीसीसी की। देखिए पीसीसी के बारे में आपको मैंने बताया है कि भाई ये क्या करता है, अल्कोहल को कीटोन में एल्डिहाइड में ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, हमने आपको ये बात बता रखी थी। लेकिन पीसीसी के साथ प्रॉब्लम क्या, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये अल्कोहल है तो पीसीसी देने पर ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से अल्कोहल बना हुआ तो पीसीसी देने पे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है, ठीक है, जब कि सिर्फ अल्कोहल ही ना बचे, अल्कोहल के साथ कुछ और भी आ जाए। ये देखिए ये एक नया एग्जाम्पल है जिसके बारे में आपको समझना होगा कि ये क्या कह रहा है असल में। देखिए इतना तो डैम सियोर है कि आपका जो पीसीसी है ये पीसीसी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पीसीसी ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन आप पीसीसी के बिहेवियर को नहीं समझ रहे हैं। पीसीसी एक एसिडिक कंपाउंड है, जहां पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट की अगर हम बात करें तो ये देखिए पिरिडिनियम है, पिरिडिनियम के पास क्या है, एच प्लस है, और ये पिरिडिनियम से एच प्लस ये जो रिंग है, ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, खींच लेगा, समझिए बात को, ये जो ऑक्सीजन है ये इस पिरिडिनियम के हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींच लेगा। तो अगर ये खींच लेगा तो क्या बनेगा, गौर से देखिए, डबल बॉन्ड ओ और एच, तो यहाँ प्लस और यहाँ ऐसे, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर इससे प्रॉब्लम क्या है आपको, इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस है, तो ऑक्सीजन के चक्कर में इस कार्बन पे प्लस आ रहा है, और कार्बन पे प्लस आ रहा है तो ये बॉन्ड अपने आप को रोक नहीं पाया, ये यहाँ जाके अटैक कर दिया, ये तो एल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसने यह जगह क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो इसके अटैक करने से हुआ क्या, देखिए इसके अटैक करने से हुआ ऐसा, सी ये देखिए ये गया तो इसको जाना पड़ा ओ एच, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में जाने दीजिए, और यहाँ क्या बन चुका है, एक देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया, एक ये देखिए एक 6 मेंबर रिंग बन गया। निश्चित रूप से यहाँ बॉन्ड टूट के यहाँ गया है, लेकिन इस जगह पे ये वाले पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब क्या किया जाए, तो भाई पीसीसी है ना, पहले तो और आगे काम करो, पीसीसी तो इसको ऑक्सीडाइज कर ही देगा ना पहले, अगर कोई अल्कोहल आपको दिख रहा है तो पीसीसी तो उसको छोड़ने वाला नहीं है, तो पीसीसी उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब यहाँ पे आ चुका है प्लस, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो भैया इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने का टाइम, और वो काम कौन करेगा, तो आप जो है ये जो यूज करते हैं CrO3 और जो HCl यूज करते हैं ना, तो ये Cl- जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, और ये जाके इसको पकड़ेगा तो ये यहाँ छोड़ेगा, ताकि क्या बन सके, गौर से देखिए एक नया प्रोडक्ट बना, ये यहाँ डबल बॉन्ड और देखिए ये यहाँ डबल बॉन्ड ओ, देखिए इस तरह से काम हुआ इसमें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा काम पीसीसी ने ही किया। बच्चे लोग बहुत आराम से समझिए, पीसीसी का काम सिर्फ ऑक्सीडाइज करना नहीं होता एल्डिहाइड कीटोन को, ये एक 2-3 स्पेशल केस है जिसमें कि ये भी आता है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक स्पेशल केस ये है कि जहाँ एल्डिहाइड कीटोन बने उसके साथ में एक इस तरह से क्या हो जाए, डबल बॉन्ड बनना हो, ताकि आपका एक 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बन सके। तो आपने क्या किया, 6 मेंबर ही बनेगा, तो आपने 6 मेंबर रिंग यहाँ पर देखिए इसकी हेल्प से बना लिया। देखिए कैसे बनाया, हम क्या किए, शुरुआत कहाँ से किया, यहाँ से किया शुरुआत, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ, चूँकि ऑक्सीजन पे प्लस आया तो कार्बन पे प्लस आया, इस बॉन्ड को टूट के होकर यहाँ जोड़ा तो ये 6 मेंबर रिंग बना, लेकिन यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इस अल्कोहल को पीसीसी से क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। अब पीसीसी ऑक्सीडाइज करने के बाद अब क्या हुआ, ये तो हो गया, लेकिन CrO3 प्लस HCl मिल के क्या हुआ, ये जो O- था उसने H+ पे अटैक किया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर एक इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया।
ठीक है। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चे लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ये दिया हुआ है इसको PCC CH2Cl2 CH2 CH3NO2 ET3N TiCl3H2 T4 16 का क्वेश्चन है। ये इसके प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आपको चूज करना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। चलिए सोचिए, चलिए मैं हेल्प करता हूँ, वीडियो को पॉज करके जरूर चेक किया कि जो TiCl3H2 दिया हुआ और CH3NO2 ET3N दिया हुआ, यार देख के लग रहा है कि नेफ रिएक्शन की तैयारी हो रही है। लास्ट क्लास में मैंने बताया है कि कहीं भी CH2NO2 लगा हुआ है तो नेफ रिएक्शन क्या करेगा, TiCl3H2 या TiCl3H2SO4 उसको क्या करेगा, उस NO2 को हटा के वहाँ क्या लगा देगा, CHO लगा देगा। तो सिंपल सी बात वही हो रहा है यहाँ पर कि इस TiCl3 के रहते कोई NO2 नहीं बचना चाहिए। ऐसे कैसे बच जाएगा। ओके अब बात करें इन दोनों की, चलिए अल्डिहाइड लगा, ठीक है भाई ऑब्वियस सी बात है NO2 को हटा के अल्डिहाइड लगाना है, लेकिन इन दोनों में से जज कैसे किया जाए कि डबल बॉन्ड यहाँ बचा कि नहीं बचा। भाई मेरे TI जो CH3- है, CH3 से NO2 जो है तो CH2- बनेगा, क्योंकि बेस H+ निकालेगा CH2- बनेगा, तो CH2- जो अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा ना इस जगह पर, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर जाना चाहिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ क्या कर रहा है सोचो। अगर अटैक करेगा तो ऐसे तो खाली जगह पर अटैक करेगा नहीं, बेंजीन तो है नहीं, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड को ऊपर जाना चाहिए था, तो ये फिर डबल बॉन्ड यहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये बना कैसे, ठीक है देखिए। एक्चुअली ठंड का मौसम है ना तो ये बोर्ड पे ये जो मार्कर है ये सूख जा रहा है। देखिए बच्चे लोग सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1, ये जो PCC है इस PCC की हेल्प से ये क्या बन गया आपको, अल्डिहाइड, ये डबल बॉन्ड। ओके लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया है कि आपका पिरिडीन है ये, अगर ये पिरिडीन है तो ये क्या करेगा, इसको जाके पकड़ लेगा H+ को, और अगर पकड़ लेगा तो होगा क्या, OH+ यहाँ भी H, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है अगर ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गौर से देखिए, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा ताकि इसको ऊपर जाना पड़े, तो क्या हो गया, ये 6-member ring बना, गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6-member ring बना, ये गया तो यहाँ OH आ गया। ठीक है अब क्या हो गया, गौर से देखिए ये वाला तो जुड़ गया इससे, लेकिन इसके बगल वाले पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अगर ये प्लस चार्ज आ गया है तो क्या करें भाई, तो प्लस चार्ज आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले तो PCC देखिए इसको क्या कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो, ये लो PCC देख हमने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज बना हुआ है, तो उसी तरह हमने आपको क्या सोचा कि भाई CrO3 और प्लस HCl मिलके क्या बनाएगा, एक एसिड बनाएगा, और ये यहाँ से H+ हटा देगा ऐसे, यानी सॉरी बेस बनाएगा, ये O-H+ को खींचेगा ये निकल जाएगा, तो क्या बना प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बना, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अच्छा CH3NO2 है, CH3NO2 का मतलब ये हो गया CH3NO2 और ET3N है, अगर ET3N होगा तो यहाँ से H+ हटाएगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या हो गया भाई मेरे CH2-NO2, और चूंकि ये लोन पेयर आसानी से अंदर जा रहा है ना तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया, तो अगर सॉफ्ट बेस हो गया, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये कहाँ अटैक करेगा, निश्चित रूप से यहाँ अटैक करेगा, तो ये इसको यहाँ जाना होगा तो इसको यहाँ जाना होगा, तो क्या बना भाई मेरे, देखिए ये ऐसे ये यहाँ चला गया, ये O पे माइनस आ गया और यहाँ CH2NO2 आया, लेकिन आपको तो पता है कि ये टिकेगा नहीं ज़्यादा देर, ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या हो गया, इसको हम लोग इनोलेट बोलते हैं, आपको पता है जब O- जाता है तो जो O- जाता है यहाँ पर इसको हम लोग इनोलेट बोलते हैं, अगर लिथियम लग जाता O-Li+ तो लिथियम इनोलेट बोलते हैं, तो देखो डबल बॉन्ड O और जो यहाँ माइनस आया, इस माइनस ने क्या किया, आराम से H+ को पकड़ लिया, काम खत्म, और ये बच गया CH2NO2, और लास्ट में क्या करना है, TiCl3 देना, तो TiCl3 जैसे ही दोगे ये जो कार्बन पे जो NO2 लगा हुआ है ये क्या लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, मैंने करके दिखाया है पीछे वाली क्लास में, आप एक बार देख लीजिए, तो देखिए इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है तो इस तरह फाइनली इसका ये प्रोडक्ट बना। चलिए अगर आप इसमें कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे जाके दोबारा देख लीजिए, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 11 दिसंबर 2011 में पूछा है, शायद क्वेश्चन नंबर 133 था,
इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, मैं आपको एक ही पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एक पार्ट और था इस क्वेश्चन का। अच्छा देखिए, इसको पीसीसी सी एस टू सी एल टू से एक्वस एनोवस दिया, तो भैया पीसीसी सी एस टू सी एल टू जैसे दिया तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और आपको तो पता है कि पीसीसी के इफेक्ट से ये रुकेगा नहीं, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। आपको पता है सिक्स मेंबर ड्रिंक बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो भाई मेरे सिक्स मेंबर ड्रिंक तो बन गया। लो देखो ये यहाँ, तो यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस, यहाँ आ गया मिथाइल और इस जगह पे क्या आ गया, देखो इस जगह पे ये आपको पता है ना कि क्या होता है, एच प्लस लग जाता है CrO3 से, तो यहाँ पर ऐसे लग गया ऐसे ये, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आपका काम खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है ना कि पीसीसी जैसे देंगे तो ये तो ऑक्सीड, पीसीसी इसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ना। लो पीसीसी को ऑक्सीडाइज कर दिया, और आपको पता है कि भाई NaOH दिया तो NaOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रेट ढूंढेगा, बल्कि वाला काइनेटिकली कंट्रोल नहीं बल्कि थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये तो एक सेकेंड में, ये नहीं ये है, ये भी नहीं ये भी नहीं, देखिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कि भाई ये हुआ कैसे। सबसे पहले तो ये अल्कोहल था, है ना, ये क्या था, अल्कोहल था, जैसे अल्कोहल था तो हम इसको सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर देंगे, पीसीसी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो क्या बना भाई, ये देखो ये डबल बॉन्ड ओ और ये एच। आगे बढ़िए, आपको पता है कि सी आर ओ थ्री से क्या करेगा, ये एच प्लस खींच लेगा आपको ऑक्सीजन प्लस, पता कहाँ से, पिरिडिनियम से, ये आपको ये ऐसे एच प्लस, तो ऑक्सीजन ने इस पर अटैक करके एच प्लस को खींच लिया, ओके। अब ये चला गया तो सिक्स मेंबर बनाने के लिए ये भाई साहब चले यहाँ से, तो ये यहाँ तो ये यहाँ, तो बना दो सिक्स मेंबर ड्रिंक, देखो क्या हो गया, यहाँ लग गया ऐसे, यहाँ लगा दो प्लस और यहाँ पे अटैक करो, देखो ये यहाँ जुड़ गया तो ये क्या हो गया, OH आ गया, ठीक है। और चूँकि OH आ गया तो क्या करें भाई, इसमें अटैक कर दिया तो पीसीसी इसको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा भाई हम तो जब तक हैं तुम्हें ऑक्सीडाइज करके मानेंगे, ये देखो इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया, और उसी टाइम में कौन आ गया, बेस आ गया, बेसिक हाइड्रोजन, देखो यहाँ से हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन तो इस क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये OH माइनस ने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला यहाँ से, और ये एसिडिक भाई साहब इधर चले आए क्या करने के लिए, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये आई बात समझ में, ठीक है। चलिए समझ गया इसको आप, ओके नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, पीसीसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज के बारे में जानिए। देखिए पीसीसी का काम ऑक्सीडेशन करना होता है, ये आपको पता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक साथ दो अल्कोहल आ जाए तो पीसीसी दोनों को एक ही बार में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। पीसीसी की जो है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, कि अगर एक साथ आपको दो अल्कोहल आ जाए एक ही कंपाउंड में तो ये दोनों को एक ही बार में ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये दोनों को एक एक करके ऑक्सीडाइज करता है। सब कुछ कीजिए कि ये रहा एक अल्कोहल और ये भी रहा एक अल्कोहल, ठीक है, निश्चित रूप से ये अल्कोहल भी 1 डिग्री है, ये अल्कोहल भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये करेगा क्या कि जो आपका पीसीसी होगा ना वो दोनों को ऑक्सीडाइज एक साथ नहीं करेगा, पीसीसी सी एस टू सी एल टू दोनों में से किसी एक को ही करेगा, ठीक है। देखिए पीसीसी सी एस टू सी एल टू दोनों में से किसी मान लिया को कर दिया तो इसको छोड़ देगा, और अगर नीचे वाले को कर दिया तो ये छूट गया, ओके। आपको तो पता है कि सी आर ओ थ्री माइनस का काम, इसमें जो आपको आपको पता है कि जो आप पढ़ते हैं ना सी आर ओ थ्री प्लस एच सी एल, तो क्या करता है भाई, सी आर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और ये जो सी एल माइनस होता है ये अटैक करता है यहाँ, तो ये खुल के चला जाता है किसके पास, अल्कोहल से एच लेने के लिए। अब जब ये अल्कोहल से एच ले लेगा तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो ये ऐसा हो जाएगा ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ और ये एच, और इसी टाइम क्या करेगा, ये यहाँ अटैक कर देगा तो इसको क्या जाना होगा, ऊपर जाना होगा। अगर ये चला जाएगा ऊपर तो क्या बना, गौर से देखिए, एकदम आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पे डबल बॉन्ड आपको ओ माइनस लगा, चूँकि ओ माइनस लगेगा तो एच प्लस लग जाएगा, और यहाँ पे ओ है, देखिए ये क्या बना आपका, ये आपको पता है किसका नाम है, लैक्टोल, ये लैक्टोल नहीं है अभी, ये क्या हो गया, लैक्टोल हो गया। और अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको पीसीसी फिर से काम करेगा इसके ऊपर, तो ये प्रोडक्ट बन गया, देखिए
देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, लैक्टोन बन गया ये। अच्छा चलिए छोड़िए उसको, समझ गया इसको क्या हुआ। देखिए एच प्लस खींचा, ओ माइनस ने एच प्लस खींचा, ये माइनस है, माइनस ने यहाँ अटैक किया, तो अटैक किया तो एक इलेक्ट्रॉन रिंग बना, और फिर पी सी सी क्या ऑक्सीडाइज किया इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन बन गया। चलिए इस पे आ जाइए, यही काम यहाँ हो रहा है। अब ये यहाँ से खींच रहा है एच प्लस, तो खींचेगा तो ओ माइनस आएगा, और ओ माइनस क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये इसको जाना होगा। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ भी 6 मेंबर बना। देखिए आपको पता है कि ओ माइनस जाएगा तो माइनस का टेंशन मत लीजिए ना, ओ एच तो बन ही जाएगा ना, ये भी 6 मेंबर बन गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, पी सी सी देखिए हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्या दे देंगे इसको हम, पी सी सी। जब इसको पी सी सी देंगे तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो भैया फिर क्या बन गया, ये भी इलेक्ट्रॉन बना। बोले सर फ़र्क क्या पड़ा सर दोनों में, बोले भाई फ़र्क तो अभी नहीं पड़ रहा, आप फिलहाल समझिए तो बात हो कि यहाँ हो क्या रहा है। दोनों के साथ ये ऐसा कर सकता है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, कोई भी हो, किसी के साथ ही ऐसा कर सकता है। फिलहाल आप बोलोगे सर देखिए ना दोनों सेम प्रोडक्ट बना, बोले हाँ भाई बिल्कुल दोनों सेम प्रोडक्ट बना, 50-50 बना है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्या बना है कि दोनों क्या बना आपको, दोनों 50-50 बना है। ठीक है, जो दोनों प्रोडक्ट है वो 50% ये बना है, 50% ये बना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे का फ़र्क है। आप बोलोगे सर तो 50-50 मिला के बना क्या, बोले हाँ भाई बेकार हो गया आपके लिए ये। अगर कोई ऐसा कंपाउंड बनता है कि 50-50 दो दो कंपाउंड बन जाते, क्या तुमको तो रिजॉल्व करने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है वो रिएजेंट। तो क्या पी सी सी आके काम करना ही है, चलिए प्रूव करते हैं इस बात को। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी टाइप एग्जाम्पल लेते हैं, ये अल्कोहल एक बार 2 डिग्री भी लेते हैं और एक अल्कोहल लेते हैं 1 डिग्री। ठीक है, हमने 2 डिग्री अल्कोहल भी दिया और 1 डिग्री अल्कोहल भी दिया। अब चलिए आ जाइए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको पी सी सी देते हैं। तो भैया पी सी सी दोनों बार दीजिए, आपको पता है पी सी सी दोनों को एक एक करके ऑक्सीडाइज कर सकता है, एक बार में दोनों को नहीं करेगा। डबल बॉन्ड ओ और ये सी एस थ्री और ये एज इट इज रह गया, और यहाँ क्या हुआ नीचे वाले को कर दीजिए। देखिए ये एज इट इज रह गया और डबल बॉन्ड ओ एच हो गया। ओके, आपको पता है कि आपके पास एसिड है इसके आपके पास, ठीक है, ऑन CrO3 प्लस HCl, ये मिलके एक बेस बनेगा जो H प्लस निकाल सकता है यहाँ से, CrO3 प्लस HCl। तो ये यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा, जब H प्लस को निकालेगा तो ये H प्लस माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा तो माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी तो होगा, H प्लस निकालेगा, O माइनस यहाँ जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ जरा देखिए क्या हुआ, ये यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये चला गया O पे माइनस, अब माइनस जाएगा तो H प्लस देने से परवाह मत कीजिए, H प्लस यहाँ भी है तो OH चला गया, एक CH3 आपको यहाँ मिला हुआ है, गौर से देखिए है ना, ये CH3 इधर कर दीजिए और ये पूरा जुड़ गया किससे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 6 मेंबर ऑक्सीजन से जुड़ गया ये, देखिए इस तरह से। इस पर भी देखिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन इसे जाके जुड़ गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ भी 6 मेंबर रिंग बना। ये देखिए ये ओ, ये मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो गया, ओ माइनस, अब ओ माइनस एच प्लस दे दीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पी सी सी दोबारा दीजिए तो देखिए तो क्या बनता है। तो बोलो सर पी सी सी अगर दोबारा दीजिएगा ना सर, तो इसको ऐसा बनेगा, ये जो है अल्कोहल ऑक्सीडाइज जाएगा। तो हम बोले बना क्या, तो बोले सर दोबारा से इलेक्ट्रॉन बन गया सर, देखिए इसमें इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो सर इसमें तो चांस ही नहीं दिख रहा सर ऑक्सीडाइज करने का। आप अगर ऑक्सीडाइज करते भी हैं सर तो ये यहाँ जाएगा तो ये टूट जाएगा, यानी सर फिर तो वही बन गया जो आपने पहले बनाया। देखिए ये तो फिर वही बन गया एकदम आराम से, देखिए तो आपको दिखेगा सर इससे जो ये बनाए थे पी सी सी देने पर वापस से कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया। मतलब क्या समझे, मतलब कि आपका 50% पार्ट जो हो गया वो किसी काम का नहीं रहा, 50% ने इलेक्ट्रॉन बना लिया, मतलब 50% रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया, ये वापस चला गया, देखिए रिवर्सिबल हो गया, और 50% जो रिएक्शन था वो क्या हो गया आपको इलेक्ट्रॉन बनाया, कितनी बर्बादी हुई है ना। सोचो कि आप क्या करोगे कि आपको 50% इलेक्ट्रॉन बन रहा है, 50% जो है वो आपको रिवर्स हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कोई रिएजेंट नहीं है जो इसको 100% इलेक्ट्रॉन बना सके, लेकिन एक रिएजेंट है हमारे पास, एक रिएजेंट है जिसका नाम होता है फेटिजॉन रिएजेंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले, फेटिजॉन रिएजेंट्स पढ़ने से पहले जेम 2016 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, गौर से देखिए, ये क्वेश्चन दिया हो PCC CH2Cl2। अरे भाई PCC CH2Cl2 दिया तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, एक बार इसको भी करेगा, एक बार इसको भी करेगा, लेकिन आपको पता है अगर इसको ऑक्सीडाइज किया तो इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएगा।
और जितने भी लगभग ऑलमोस्ट सब लेक्टोन बना के दिया हुआ है। लैक्टोल कहीं है ही नहीं। लैक्टोल मतलब होता है कि ओ रहता है, इसके बगल में OH होता, ठीक है, जो कभी है ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब लैक्टोन बनाना है, तो इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझिए, इसको ऑक्सीडाइज कीजिए, इसको ऑक्सीडाइज कीजिएगा, फिर यहाँ से प्लस हटाइएगा, यहाँ से हटा के यहाँ लाइएगा, ये लाइएगा, थोड़ी देर के लिए लैक्टोल बनेगा, और जब थोड़ी देर के लिए लैक्टोल बनाइएगा उसके बाद फाइनली इसको क्या कीजिए, ऑक्सीडाइज करके देखिए इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, इस ऑक्सीजन नीचे ले आइए ना, क्या दिक्कत है। ऐसे देखिए टोटल 5 कार्बन है, इस कार्बन में क्या लगा, OH चला गया है, और आपको फिर से PCC दीजिएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखिए, और ये बेंजीन रिंग रह गया। कौन सा आंसर है इसका, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जेम में पूछा हुआ, जेम में तो अक्सर बच्चे वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं। ओके, बात करते हैं फेटिजॉन रिएक्शन की। देखिए फेटिजॉन रिएक्शन जो है ये जस्ट लाइक PCC-PDC की तरह ही है, ठीक है। ये होता क्या है, तो ये होता है Ag2CO3 साथ में सिलाइट और रेजिन सॉल्वेंट। देखिए ये जो Ag2CO3 ये भी ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में, कीटोन में, ये भी वही काम करता है जैसे पीसीसी काम करता है, वैसे ये भी काम करता है। अच्छा देखिए, जैसे कि ये एग्जांपल अभी हमारा जो हमने दिया था, ये देखिए, ये OH, ये OH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, चलो आप इसको PCC दे दो, आपको पता है दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा तो नीचे वाला क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यानी कि प्रोडक्ट या तो ऐसा बनेगा, ये तो प्रोडक्ट या तो ऐसा बनेगा और या तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, बना के देखिए ना, ये देखिए ना, इन दोनों से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करके देखिए ना, ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, दोनों तो सेम है। और अगर इसको फेटिजॉन भी दे दीजिएगा तब भी वही दीजिए प्रोडक्ट बनेगा, फेटिजॉन रिएजेंट अगर दे दीजिए तो वो भी किसी एक को ऑक्सीडाइज करेगा और एक को ऑक्सीडाइज करके दूसरे से अटैक करवाएगा, और जब इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा तो नीचे वाले से अटैक करेगा। सिंपल है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जब इसको ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो नीचे से अटैक करेगा तो ये बनेगा, और जब इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा तो इससे अटैक करवाइएगा तो ये नीचे वाला बनेगा, चाहे आप PCC-PDC जाइए चाहे फेटिजॉन से जाइए। तो फिर फेटिजॉन अलग किस सेंस में है, फेटिजॉन किस सेंस में इस PCC-PDC से अलग अलग, तो भैया ये अलग इसलिए है कि PCC-PDC जो है ये ढूंढ के नहीं मारता है, इसके सामने जो आ जाए 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है, सबके साथ ये एक जैसा ट्रीट करता है। लेकिन फेटिजॉन की खासियत ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल एक साथ आ गया, अगर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ 2 डिग्री अल्कोहल भी आ गया तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को निगलेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं भाई हम तो 2 डिग्री अल्कोहल को जानते हैं, 1 डिग्री को जानते ही नहीं है, ठीक है। तो PCC-PDC से जो फेंटॉन्स रिएजेंट है वो इस सेंस में अलग है कि आजको PCC-PDC क्या करता है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री जो मिलेगा सब ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन जो फेंटॉन्स रिएजेंट है वो सिर्फ 1 डिग्री को छोड़ के 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करता है। हाँ, दोनों साथ होने चाहिए तब, अगर अकेले है 2 डिग्री तो दोनों करेगा, अकेले है 1 डिग्री दोनों करेगा, लेकिन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अगर एक साथ हो तो फिर 1 डिग्री को वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, 2 डिग्री को। नोट कीजिए, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए ये है, हम एक काम करते हैं, इसको पहले हम देते हैं कौन, फेटिजॉन देते हैं इसको पहले, ठीक है, चलिए फेटिजॉन नहीं, पहले इसको हम PCC-PDC देते हैं। तो भैया PCC-PDC जब दोगे PCC-PDC CH2Cl2 तो एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा, तो फिर नीचे वाले अटैक करेंगे एच प्लस हटा के, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये अल्कोहल बना ऐसा, क्योंकि मिथाइल है यहाँ पर, इसलिए आप चाह के भी इसको लैक्टोन नहीं बना सकते। देखिए आप चाह के भी इसको लैक्टोन नहीं बना सकते, ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, ये रिवर्स आ जाएगा, जब ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, जो ये था वही बन जाएगा, यानी 50% पार्ट रिवर्स में गया, आधा काम होकर रह गया। और अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या होता है, देखो बहुआ बहुत आसान नहीं है बिल्कुल, ठीक है, चलो एसिड से स्केच प्लस हटाओ, यह यहाँ लगाओ, तो क्या मिला आपको, देखो
इस पे ऑक्सीजन लगा, यहाँ पे मिथाइल छोड़ दो और ये आपको इस तरह से अल्कोहल बना। तो आपको पता है कि ये बना तो क्या बना आपको, लैक्टोल, और ये ऑक्सीडाइज होकर आराम से क्या बन सकता है, लैक्टोन बन सकता है। हाइड्रोजन ही तो हटाना है ना, देखो ये बन गया, मतलब 50% पार्ट में आपका लैक्टोन बना। ये अलग बात है, जब भी दोगे तो आप लैक्टोन ही बनाओगे, इसको नहीं बनाओगे, इलेक्ट्रॉन ही बनाओगे। लेकिन जरा गौर से देखिए आपको क्या मिला, आपको 50% ये मिला, 50% ये मिला, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम फेंटॉन्स रिएजेंट दे दें, Ag2CO3 सिलाइट और साथ में कौन आपको रेजिन सॉल्वेंट, अगर हम इसको ये दे देते तब देखिए बच्चे लोग क्या होगा। तो सबसे पहले जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये 1 डिग्री को छोड़ देगा, 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेगा। आपको पता है कि आपको बिल्कुल एक बेस तैयार करना है CrO3 प्लस HCl मिला के, तो ये CrO3 यहाँ से प्लस निकाल लेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और O माइनस, और जैसे O माइनस आया तो ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। बोले सर क्या कर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, बोले बिल्कुल नहीं बनेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो बिल्कुल ही चांस नहीं है, वहाँ तो 50% बन भी गया, यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो 1% भी नहीं बनेगा इलेक्ट्रॉन। ये देखिए OH 1% बन जाएगा, 1-2% इसका ऑक्सीडेशन अगर ये फेंटॉन्स इसका करता है 1-2% केस में, चूंकि कोई भी रिएक्शन 100% तो होता नहीं है, लेकिन ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, देखो ये तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और ये घूम के क्या हो जाएगा फिर, ये तो 100% रिवर्स हो जाएगा, लिब्बा सर कमाल कर दिए, ठीक है। मतलब जिस चीज़ से आप डरा रहे थे वही काम आप कर दिए, ठीक है। ये देखो यहाँ है ना, तो ये देखो यहाँ बन जाएगा, ये तो 100% रिवर्स में चला जाएगा, ये तो 100% रिवर्सिबल हो गया, ये तो बेचारा 50% हो रहा था, ये 100% रिवर्सिबल हो गया, और ये 100% रिवर्सिबल होके ये यहीं पहुंच के रह गया, इससे आगे बढ़ा ही नहीं रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन आगे गया ही नहीं, एक ही बार ऑक्सीडेशन के चुपचाप बैठ गया, अब आगे रिएक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत, इलेक्ट्रॉन आप बना नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन बनाओगे इसको PCC दोगे तो ये क्या हो, वापस ऑक्सीडेशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये वहीं पहुंच जाएगा जहां से ये चला था, देखिए ना, आप कंफ्यूजन छोड़ दीजिए बिल्कुल, ये देखिए ये वहीं पहुंच जा रहा है, बिल्कुल टेंशन मत, देखिए आपको बिजली नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए देखिए ये ऑक्सीडाइज, ये यहाँ आ लाओगे ऑक्सीडाइज करने के लिए, इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ओ पे माइनस आएगा, तो माइनस में क्या करोगे, एच प्लस जोड़ दोगे, और यहाँ पे क्या हो गया, देखो CH3 है, और यहाँ पे क्या हो गया, देखो डबल बॉन्ड ओ, क्या मिला आपको बताइए, तो यही मिला ना, अच्छा ये ऐसे लग रहा है यार, टेंशन ना लो, इसको मोड़ दो ना ऐसे, देखो यही तो मिल गया, देखिए तो ये रिएक्शन तो आगे ही नहीं बढ़ा, बोले सर आपने दिमाग खा गए, ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा तो फिर गए कहाँ, बोले गए यहाँ कि अब इस अल्कोहल का यूज़ करेंगे पगले, ये अल्कोहल यूज होगा हमारा, ये जो एग्जाम में ये क्वेश्चन में अल्कोहल, इस अल्कोहल को हम यूज करेंगे, कैसे इस अल्कोहल को यूज करेंगे, समझिए बात को, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको टीफर 14 में, ठीक है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ, मैं नहीं दूंगा ऑप्शन, आपको ऐसे सिखाना चाहता हूँ कि देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ट्रिक नहीं, अगले बार इसको बताऊंगा बाद में। Ag2CO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा निश्चित रूप से, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, Me3SiCl, जैसी Me3SiCl आया आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल चला गया काम से, प्रोटेक्ट हो गया, लो SiMe3। अब जैसी LDA की बारी आई, LDA क्या है, लिथियम बेस है, लिथियम बेस कहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, आपको पता है कि लिथियम क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है बेस, तो लिथियम बेस यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसको यहाँ से यहाँ जाएगा, थोड़ी देर के लिए क्या बनेगा, लिथियम इनोलेट, क्या बनेगा थोड़ी देर के लिए, देखिए O माइनस Li प्लस, यहाँ ऐसे देखो ये लिथियम इनोलेट बना OSiMe3, लेकिन उसी टाइम में क्या दिया हुआ गौर से देखिए, CH3CH2Br दिया हुआ, तो CH3CH2Br के साथ ये कैसे रिफेक्ट करेगा, अगर देखो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बीआर को बाहर निकालेगा, जरा देखो क्या बना, ऐसे थोड़ा सा हम स्पेस लेके बनाते हैं, देखिए ऐसे डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ कितना, 2 कार्बन और जुड़ गया, देखो 1-2 कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, तो 1-2-3 ऐसे जुड़ गया, और यहाँ क्या हो गया गौर से देखिए, OSiMe3। हम यहाँ तक तो ले आए भाई, अब क्या बोल रहा है भाई, TBAF दे दीजिए, जैसे आपने TBAF दिया तो ये ऐसा ही चला गया, क्योंकि TBAF को तो थोड़ी झेल पाएगा ये, आपको तो पता है कि फ्लोराइड के सामने सिलिकॉन का कोई वैल्यू नहीं है, ये लीजिए डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया यहाँ पर OH, और एट अ टाइम क्या मिल गया आपको, LiAlH4 मिल गया, देखिए LiAlH4, तो LiAlH4 से क्या मिल गया हमें, ये देखिए ये ख़त्म, और ये तो HCl रह गया, यानी सर आप बोलोगे सर इतना तिकड़मबाजी सर, सिर्फ इस जगह पे 2 कार्बन जोड़ने के लिए है,
क्या सर, इसी दो कार्बन को जोड़ने के लिए इतनी तिकड़मबाजी की गई? यही तो केमिस्ट्री है ना, इंटरेस्टिंग, ऐसे करके पढ़ना होता है हमें, ठीक है? बहुत मज़ा आ रहा है ना, टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही मेहनत करते, मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग कभी कभी हो जाता है, लेकिन यही जो है ना टॉपिक पे आपका कमांड, यही आपको जो है ना प्रोफेसर की नौकरी दिलाएगा, यही आपको रिसर्च में भेजेगा, यही आपको IT से PhD करने का मौका देगा, यही आपको JRF देगा, यही आपको JRF की स्कॉलरशिप देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टफ जो है उसको टफ मत समझिए, जो टफ दिख रहा है हम लोग हैं ना उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए, ट्रस्ट रखिए खुद पे और मेरे पे भी, नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी JRF दिसंबर 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है? हम आपको इसका ये नहीं बताने वाले हैं, ऑप्शन नहीं बताने वाले, पहले इसको समझिए कैसे कैसे हो रहा है। देखिए Ag2CO3 सिलाइड इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, लो ठीक है, Me3SiCl पिरिडीन ये वाले अल्कोहल को खा गया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया, SiMe3 LiHMDS लिथियम बेस है, वंस अगेन ठीक है, लिथियम हेक्सा मिथाइल डाई सिलाजाइड, ये क्या मतलब है इसका, ये आपको N लिथियम प्लस ये SiMe3 ठीक है, क्या हो गया ये देखिए, लिथियम हेक्सामिथाइल एक साइड, लिथियम एक साइड को देखिए, लिथियम हेक्सामिथाइल ठीक है, डाइसिलाजाइड, और ये दो बार आ गया देखो, डाइसिलाजाइड। चलिए कुछ नहीं है, तो बेस ही लिथियम बेस है तो कहाँ काम करेगा, निगेटिव टेम्परेचर पे, यानी कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड। काइनेटिकली कंट्रोल्ड मतलब आपको हमेशा क्या करेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये आ रही बात समझ में, जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा वो क्या करेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। आप मेरे पीछे वाले लेक्चर को देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैंने क्या बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ शुरुआत कैसे करें, एक्चुअली ठंड को लेके ना बोर्ड काम नहीं कर रहा, ये सूख जाता है ठंड के मौसम में, अगर आप इसको गर्मियों के मौसम में देखिएगा तो आप लोग बोलेगा अरे सर ये तो गर्मियाँ चल रही है सर, आप पुरानी बात कर रहे हो। मतलब चलिए देखिए, Ag2CO3 से तो हमने क्या किया, हाँ आधा काम कर दिया, Me3SiCl ये भी लगा दिया, अब Li ये लग गया लिथियम बेस, तो लिथियम बेस यहाँ से हाइड्रन नहीं हटाएगा, यहाँ से हाइड्रन हटाने का काम सोडियम या पोटेशियम बेस का होगा, मैंने बताया आपको थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड बेस, आपको यूज है काइनेटिकली कंट्रोल्ड। तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, यानी थोड़ी देर के लिए आपने क्या बना दिया, लिथियम इनोलेट SiMe3, ये डबल बॉन्ड, ये O पे माइनस, और माइनस क्या लग गया, SiMe3 लग गया इस तरह से, ठीक है ओके भाई मेरे, नहीं नहीं मैंने ये SiMe3 क्यों लगेगा, मतलब O माइनस से Li प्लस लग गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर तो ये लौटेगा ना, जब ये लौटेगा तो ये इसको तोड़ेगा, तो इसके साथ कौन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, ये OTF ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा तो इसको यहाँ से खोल देगा। अब चूंकि ध्यान दीजिए, अगर ये आगे है तो ये भी तो आगे ही होगा ना भाई मेरे, और इसके यहाँ अटैक करने से ये पीछे थोड़ी हो जाएगा, अगर यहाँ अटैक हुआ तो ये आगे से ही खुला तो आगे ही रहेगा ये, तो चलो देखो क्या हो गया, 1 2 OSiMe3 यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ से कितने कार्बन जुड़े देखो, तो इससे 1 2 यहाँ देखो 1 2 3 यहाँ है ना, 1 2 3 देखो, 1 2 और 3 1 2 3 ऐसे भी और दो, एक कार्बन जुड़ा हुआ है ऐसे, और उसमें OTF जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। देखो इसके बाद एक और दूसरा छोड़ के तीसरा पे अल्कोहल है, एक के बाद दूसरा छोड़ के तीसरा पे अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल नहीं फिलहाल O माइनस है, देखिए ऐसे तोड़े तो O माइनस बना है ना, और जब ये आगे है तो आगे से अटैक करेगा ना, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ चला गया, ठीक है? तो इसका मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है फिलहाल, और उधर से TBAF आ गया जो ऑक्सीजन से सिलिकॉन को हटा दिया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना भाई मेरे, देखो इस तरह से OH, और यहाँ पर ऐसे ये, ठीक है देखिए इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O एज इट इज रह गया, ठीक है? इसको बनाया गया है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, ठीक है? बट आप इस तरह से देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए नोट कीजिए,
और अब हम लोग पीसीसी की एक फाइनल एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ की तरफ देखेंगे। देखिए, अगर ये जो पीसीसी है इस CH2 को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, ये पीसी CH2 को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बस शर्त ये है कि ये बेंजाइलिक होना चाहिए। ये जो बेंजाइलिक CH2 है ये पीसीसी इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखिए ऐसे, ठीक है, ये पीसीसी क्या कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि ये 100% यील्ड नहीं देता है, ये अप्रोक्सीमेटली 60% का यील्ड मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ना, इसका रेट बहुत स्लो होता है, तो 60% ही इसको ये क्या कर पाता है, ऑक्सीडाइज कर पाता है। सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये देखिए आप इसको पीसीसी दे देंगे तो ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये देखिए ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, 60-65% के आसपास यील्ड मिलेगा। भाई ये तो गलत बात है ना, 60% यील्ड लेके क्या करोगे, आपको पता है कितना नुकसान होगा आपको, ये रिएजेंट कितने महंगे आते हैं, रिएजेंट मिलके आप 60% ले बनाओगे और 40% बर्बाद कर दोगे तो हो गया काम, फिर तो कल्याण है। तो आप यहाँ पर इसको यूज नहीं करोगे इस काम के लिए। ये कहलाता है एक्टिवेटेड मिथिलीन, आप याद रखना क्या कहलाता है, ये एक्टिवेटेड मिथिलीन। ये CH2 का नाम मिथिलीन होता है और बेंजीन सटा हुआ होने के कारण इसका नाम एक्टिवेटेड हो गया। आप इसके लिए यूज करो सिलिकॉन ऑक्साइड, क्या यूज करो, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड 60% के बदले आपको 83% के आसपास यील्ड दे देगा, 83-85% के आसपास ये आपको यील्ड दे देगा SiO2। यानी जो काम आप पीसीसी से कर रहे हो 60% प्रोडक्ट लेके, वही काम आप सिलिनियम ऑक्साइड से करो, कितना प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा लगभग 83-85% आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। 100% तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोई अल्कोहल वगैरह तो है नहीं जो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, कुछ सोचो ना, ये कोई अल्कोहल तो है नहीं कि हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, लेकिन सिलिनियम ऑक्साइड का यूज करके इस कार्बन को, ये एक्टिवेटेड हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, इसको हम एल्डिहाइड या कीटोन कीटोन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है CH2, तो आप यहाँ पर दोनों में से किसी एक को ऑक्सीडाइज होगा, आपको पता है कि ये क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, किसी एक को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। पीसीसी से करवाइएगा तो 60% मिलेगा, और SiO2 से करवाइएगा तो ये 83-85% ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग पीसीसी से रिलेटेड जितने भी टाइप थे मैंने कर दी। अब अगले क्लास में लोग पीसीसी से आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखिए रिजल्ट लाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे लोग JRF नहीं कर जाते, प्रोफेसर परमानेंटली लाइफ के लिए नहीं बन जाते, मेहनत करनी होगी आपको। एंजॉय कीजिए ऑर्गेनिक को, मज़े से पढ़िए, टाइम निकाल के अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं PK सिद्धांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।